और आपको बताएं कि सेनेटर शिबली फराज ने वफाकी वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। शिबली फराज को वफाकी वजीर इत्तला'आत और नशरियात का कलमदान दे दिया गया। ऐवान-ए- सदर में सेनेटर शिबली फराज की बतौर वफाकी वजीर तकरीब हल्फ बरदारी हुई, जिसमें शिबली फराज ने बतौर वफाकी वजीर हल्फ उठाया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद शिबली फराज सिदक़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा इस मौके पर कोरोना वायरस के पेश नज़र एहतियाती इकदामात इख्तियार की गयी और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और शिबली फराज की माबैन फासले का ख्याल रखा गया। तरीके इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज को वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात का कलमदान दिया गया है। सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। गुज़श्ता रोज सेनेटर शिबली फराज को वफाकी वजीर बराए इत्तला'आत व नशरियात मुकर्रर किया गया था, जबकि फिरदौस अशिक अवान की जगह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को मुआविने खुसूसी बराए इत्तला'आत व नशरियात मुकर्रर किया गया।